i just wanted to share something with you um, teaches you life lessons that probably no other education can teach you वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं तो हम दोस्त उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे सानिया मिर्जा सामने आ गई सानिया मिर्जा की तलाक़ की खबरों ने तहका मचा रखा है सोशल मीडिया पर जहां पर पा पाकिस्तान और भारत की बात हो रही है वहीं पर इन दोनों की शादी को लेकर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी ज्यादा बातें निकल कर आ रही हैं सानिया मिर्जा कभी शुैब मलिक पर इल्ज़ाम लगाती हैं और मलिक कभी सानिया पर अपने रंगत के हवाले से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि सानिया उन्हें हमेशा से ही टॉच करती रहती थी उन्हें कल्लू कहकर बुलाती थी कालू कालू कहकर कर यहां तक कि एक दफा वो मैच से वापस आ रहे थे कि शाह सानिया मिर्ज़ा ने कहा तुम्हारी हालत कैसी है तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे चपरासी हो यहाँ के तो लग ही नहीं रहे तुम्हें तो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना भी नहीं आता और अपनी पर्सनालिटी को रखना भी नहीं आता उनका कहना था कि मैं पसीने से शराबूर एक काम से आया हूँ मैं वहाँ पर अपनी लुक्स को नहीं देखता काम पर फोकस करता हूँ लेकिन सानिया मिर्जा जो है उनका कहना था वो मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब करती रही उनका यह भी कहना था उनके दोस्तों का शुए मलिक वो हमेशा यही कहते रहते थे मैं मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मेरा रंग वाइट हो जाए कोई ब्लीच बताओ कोई पॉलर का ऐसा चीज़ कोई तरीका बताओ कि मेरा रंग वाइट हो जाए क्योंकि सानिया उन्हें हमेशा से टॉर्चर करती रहती थी बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि डव कमर्शियल में आ रही हैं और प्रमोट कर रही हैं रंगत को लेकर क्योंकि इनका कहना था कि वह दस साल की उम्र में उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिया गया था लोगों की तरफ से सानिया मिर्जा को कि सानिया मिर्जा सामली रंगत की हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए करियर के आगे उन्हें सामनी रंगत को नहीं लाना चाहिए तो इसी वजह से जो है अब सुनने में ये आ रहा है कि सानिया मिर्जा तो ख़ुद जो है आ, वो करती रही हैं इन्हें टॉर्चर ख़वादीन हजरात हमारी दुआएं इनके साथ अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो जो ये कह रही हैं जो कर रही हैं जो हो रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया ने तो कंफर्म कर दिया उन्होंने कहा है कि अब कागजी कार्रवाई रह चुकी है बाकी सेपरेशन हो चुकी है अगर सानिया मिर्ज़ा की पॉइंट की तरफ बात की जाए तो उनका कहना था कि दुबई में, में मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं जिससे यह वाजे हो जाएगा कि शुएब मलिक जो है मेरे से बेवफाई करते रहे बल्कि मुख्य लड़कियों के साथ ये नज़र आते रहे हैं उनकी वीडियोज़ तो मेरे पास मौजूद हैं सानिया के इल्ज़ाम सही हैं या नहीं ये शुएब मलिक के इल्ज़ाम ठीक है या नहीं ये हम नहीं जानते तो बरहक खुदा ही बेहतर जानता है लेकिन आपको यहां बताते चलेंगे के बेटे के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि सानिया का बेटा कब कहां कैसे किस तरह से रहेगा क्या वो अपनी वालदा के साथ रहेगा या फिर क्योंकि शोय शोया मलिक का कहना है कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं लेकिन सानिया की राय है कि वो उन्हें क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस टेनिस के फ़ील्ड में लेके जाने क्योंकि वो एक ख़ुद भारतीय स्पेशल बैन अवी एक टेनिस प्लेयर है सो इस वजह से वो अपने बेटे को भी इसकी तरबियत देती हुई नजर आती रहती हैं सानिया मिर्जा किसी भी दारू की मोहताज नहीं है उन्होंने अपने करियर का आगाज़ काफ़ी यंग एज में किया मॉडलिंग भी करती रहती हैं उनके शो इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना बैठना है इसलिए उनकी ग्रूमिंग उनका अंदाज उनका उठना बैठना बहुत अच्छा है मलिक जो है सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करती है और उनका कोई भी तरीका कार नहीं है कि ये साबित हो सके कि वो जो है वो वैसे भी सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उनके मुताबिक अब जो है ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं सानिया के मतलब कि सानिया उन्हें काफ़ी टॉर्चर करती थी और शुेब मलिक पर यह इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनके गैर तल्लत थे सानिया मिर्ज़ा का इल्ज़ाम था शुब मलिक पर कि वो एक चीटर हैं बारह साल से वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं और इसीलिए इतना वक्त गुजर गया आज के इस वीडियो में बताएँगे सानिया मिर्ज़ा और शुब मलिक की बाबतःगी के हवाले से दोस्तों ने भी तस्दीक कर दी है अब रिटर्न फॉर्म पर क्या होने जा रहा है अपने बेटे जो चार साल के उसके लिए ये इकट्ठे थे और काफ़ी देर से इन दोनों में कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही ही थी जिन्हें देखकर ये बात तो साबित थी कि इन दोनों की लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग चल रही है तो में टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक और इनकी भारतीय एहलिया टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान आलहदगी की तस्दीक हो चुकी है जी ख्याल रहे कि गुजशत दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी इन दोनों के दरमियान कुछ अनबन है लड़ाई है आलहदगी हो चुकी है हालांकि सानिया और मिर्जा के आ, हवाले से उन्होंने कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें नहीं बयान की उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट यानी इंस्टा अकाउंट से आ, श, आ, जो हैं इनकी कुछ तस्वीर पोस्ट की जिनके साथ ये ल, लिखा कि वो लम्हा जो मुश्किल तरीन दिनों में मेरा साथ देते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया की जाने से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान में शुएब मलिक के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के टीम रुकन और दूस, दोनों के करीबी दोस्तों ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों के दरमियान हो चुकी है इसके अलावा कागजी जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह चुकी हैं शुब मलिक की तस्वीर भी डिलीट हो चुकी हैं इंस्टा से तहम इनके अकाउंट में सिर्फ एक या दो तस्वीर अब भी मौजूद हैं कुछ रोज़ पहले सानिया मिर्जा ने इंस्टा स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था टूटे हुए दिल कहाँ जाएं खुदा के पास सानिया मिर्जा की स्टोरी ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और यह काफ़ी वायरल भी हुआ हाल ही में सानिया मिर्जा और शुब मलिक अपने बेटे आसान मलिक की सालगिरह पर मौका पर मिले थे ये लेकिन सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए लेकिन अभी भी तब भी इनके दरम्यान जो है वो अलहदगी हो चुकी थी बताया ये जा रहा है कि इनकी आलदगी की जो वजह है वो ये है जी आ, आ, शुएब मलिक के बारे में सानिया मिर्जा का कहना है कि वो चीटर हैं और दूसरी साथी अदाकारों के साथ ये फ्लर्ट करते रहते हैं और आ, उनसे इनकी कुछ फ़ोटोशूट और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसे उन्हें नापसंद है अगर शुएब मलिक की बात की जाए तो शुएब मलिक का इल्ज़ाम ये है कि सानिया उन्हें हमेशा उनकी रंगत को लेकर बातें करती रहती थी वो कहती थी जब भी कहीं जाना होता है अपनी रंगत को पहले बेहतर किया तो मैं तो पर्सनैलिटी भी नहीं है और अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करते जब भी मैं दुबई जाता था या कहीं से मिलना होता था किसी के साथ कि कोई इवेंट होता था तो मुझे पॉलर ले जाती थी और उस पॉलर में मौजूद शख्स कहती थी कि काइंडली इन्हें जो है इनके फेशियल कीजिए कुछ ऐसा कीजिए इनकी ब्लीच कीजिए कि इनका रंग काफी अच्छा हो जाए मलिकल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि वो अक्सर इन्हें कालू कहकर भी बुलाती थी वो काफ़ी देर से इन चीज़ों को जब्त कर रहे थे लेकिन अब उनकी बर्दाश्त बाहर हो गई थी वहीं पर हालात सानिया मिर्ज़ा के भी हैं वो भी उनका कहना है कि वो भी इस लाइफ को बड़ी मुश्किल से गुजार रही थी ख़बिन वजरात अब इनकी जो अलीह ख़बरें जो हैं वो सच साबित हो चुकी हैं इनके दोस्तों ने भी उनके रिश्तेदारों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ़ यही न्यूज़ जो है वो चलाई जा रही है कि सानिया मिर्ज़ा की और शोएब मलिक की डिवोर्स जो है वो कंफर्म हो चुकी है जरा ने इनकी तस्दीक कर दी है इनके क्लोज़ जो हैं जानने वाले फैमिली फ़्रेंड्स जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं इससे पहले तक यही कहा जा रहा था कि शायद ये र्यूमर्स हों और ये र्यूमर्स हैं मगर बात जब कुछ होती है तभी मंजर आम पर आती है र्यूमर्स भी वो तभी बनती है जब उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है किसी हद तक यहाँ पर आपको बताते चले इनकी न्यूज़ सुन के डिवोर्स की इवन शोबिज इंडस्ट्री भी जो थी वो काफ़ी हैरान थी और यकीन करना मुश्किल था कि इतना ख़ूबसूरत इतना प्यारा क्यूट कपल इतने साल इकट्ठा गुजारने के बाद कैसे हो सकता है कि इनमें डिवोर्स हो जाए आपको यहाँ बताते चले कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कमेंट भी किया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट की एक वीडियो शुएब मलिक की जो थी वो कल से काफी वायरल हो रही थी जिसमें वो डांस कर रहे थे इस खुशी में डांस कर रहे थे कि पाकिस्तान जो था वो फाइनल में पहुंच गया था चुनाचा इस खुशी में